हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छी होगी और पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से करेंगे। दोस्तों तो पढ़ाई के सफर में आगे बढ़ते हुए अपने हम इस बेहतरीन क्वेश्चन में चलते हैं। बेटा क्वेश्चन में पहले रीड करूंगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन का मतलब बताऊंगा। तो यहाँ बेटा क्वेश्चन का कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेड जेट प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ पॉइंट ए। तो कह रहा है कि जैसे मान लो बेटा ये आपका अर्थ का सरफेस हो जाएगा, इस पर कोई आपका पॉइंट ए है, कह रहे पॉइंट ए से कोई जेट मतलब बेटा ऐसे ऐसे ये उड़ रहा है। फिर तो कह रहे हैं इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है यहाँ पर है, ये इनका इस समय बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। ठीक बेटा, और ये इस साइड जा रहा है, ठीक इस साइड जा रहा है, तो इस समय इसका एंगल कितना बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा 60 डिग्री बन रहा है। फिर तो कह रहे हैं कि बेटा ये 30 सेकेंड ट्रेवल करता है, तो भाई देखो 30 सेकेंड में ये कहाँ से कहाँ पहुँचेगा, मान लेते ये पॉइंट तक पहुँचता है। ठीक, तो ये बेटा बी पॉइंट से सी पॉइंट आपका पहुँच जाता है। तो इसके बाद यहाँ क्या लिखा है, आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड, भाई 30 सेकेंड हमें फ्लाइट करता है। तो कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज टू 30 डिग्री। तो बेटा अब यहाँ से जब इस पॉइंट को देखोगे, ए पॉइंट को देखोगे, तो एंगल ऑफ कहाँ आपका हो जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा, ये कह रहे हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनना है, ये हमारा 30 डिग्री बनना है यहाँ पर है। ठीक है, और इसकी हाइट हमको दे रखी, कह रहे हैं इफ द जेट प्लेन इज फ्लाइंग एट अ कॉन्स्टेंट हाइट। बेटा हम लोग यहाँ क्या कॉन्स्टेंट हाइट यहाँ पे हम लोग को दे रखी है 30, इतना ये हमारा √3 मीटर दे रखा है। तो बेटा जब इसको अगर बढ़ाओगे तो ये भी हाइट तो सेम रहेगी ना, ये बेटा कितना जाएगी 3600 √3 मीटर हमारा जाएगा। भाई ये हाइट दोनों की, तो जहाज की हाइट यहाँ पर भी वही जहाज होगा, दोनों की हाइट यहाँ पर फिक्स, दोनों की हाइट दे रखी है, कॉन्स्टेंट हाइट से आपका उड़ रहा है। तो कह रहा फाइंड द स्पीड ऑफ द जेट, हमसे कॉन्स्टेंट स्पीड से भी उड़ रहा, तो कह रहा फाइंड द स्पीड ऑफ द जेट, हमसे कह जेट की स्पीड फाइंड करो, कितनी इसकी स्पीड होगी। दोस्तों तो ये क्वेश्चन की समरी है, अब मैं इसको अच्छे से वहाँ फिगर ड्रॉ करता हूँ। तो क्वेश्चन आपको बेटा समझ में आ गया होगा, कह रहा कोई जहाज है, जो जहाज आपका उड़ रहा है, तो पॉइंट ए से पहले उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बना था, उसकी हाइट क्या है 3600 √3 मीटर उसकी हाइट है। कह रहे 30 सेकेंड जहाँ चलने के बाद उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना 30 से 60 डिग्री हो जाता है, 60 से 30 डिग्री आपका हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से क्या पूछा गया है कि जेट की स्पीड हमको बतानी यहाँ पर है। तो यहाँ अगर फिगर ड्रॉ करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका अर्थ सरफेस हो जाएगा। तो फ्रॉम पॉइंट ए से, भाई मान लेते हैं यहाँ पे ये आपका बी कोई जहाज हो जाएगा, देखो यहाँ जहाज बना लेकिन यहाँ बड़ा जहाज नहीं बनाएंगे। ठीक, तो कह रहे हैं इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, ये हमारा 60 डिग्री बन रहा है। फिर 30 सेकेंड के बाद हम मानते हैं बेटा जहाज हमारा सी पे पहुंच जाता है। अब कहना सी से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, ये देखो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ये हमारा 30 डिग्री बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा 30 डिग्री बन रहा है। तो कह रहे हैं अगर ये इसकी हाइट बिल्कुल फिक्स हाइट हो, तो हमें बी और ये 90 डिग्री बेटा हमारा डी हो जाएगा। और इसको अगर बेटा अगर आगे ऐसे बढ़ा दोगे, यहाँ पर ऐसे इसको बढ़ाओगे, तो ये सी से हमारा क्या हो जाएगा, सी से हमारा हमारा ई पॉइंट हो जाएगा। हमको देखो इसकी हाइट पूरी फिक्स, हमको हाइट दे रखी है, कितनी दे रखी है 3600 √3 मीटर, ये हमको हाइट यहाँ पर दे रखी है, इसकी हाइट ये पूरी क्या हो जाएगी, ये पूरी इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक, तुमको हमसे इसने क्या पूछा है कि बताओ ये जहाज जो आपको उड़ रहा है उसकी स्पीड बताओ। बेटा स्पीड के लिए तो आप लोग तो फंस जाओगे, कहोगे सर ये क्वेश्चन कैसे लगेगा। बेटा ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तब दिमाग काम नहीं करता है, तो इसीलिए पहले से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, हम लोग क्या करेंगे पेपर के लिए तैयार रहेंगे। बेटा हम लोग क्या लिखेंगे, बी आपको क्या हो जाएगा, बी एंड सी आर द पॉइंट ऑफ जेट प्लेन, बस जेट प्लेन के पॉइंट हो जाएंगे, इससे हमने डिनोट किया है इसको। ठीक, ये बेटा आपका ऐसे हो जाएगा, इसको थोड़ा सा इसके बारे में लिखते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बेटा यहाँ यहाँ का देखो बी डी जो बेटा होगा, बी डी बराबर सी इक्वल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द जेट प्लेन। भाई जेट प्लेन क्या हो जाएगा, जेट प्लेन की हाइट हो जाएगी, और कितनी हमको दे रखी है 3600 ये √3 मीटर बेटा, ये हमारी हाइट दे रखी है। तो हमसे स्पीड पूछा गया है, तो लिखेंगे स्पीड ऑफ द जेट, लिखेंगे स्पीड ऑफ द जेट, ये बेटा हम लोग क्या मान लेंगे, वो हम लोग एक्स मान लेंगे, मान लेंगे कि स्पीड कितनी हो जाएगी, एक्स किलोमीटर मीटर कुछ भी बेटा यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो बेटा क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखो
आपको क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करोगे, देखो बेटा हमको हाइट यहाँ पे दे रखी है, हमको यहाँ पर इसकी हाइट दे रखी है, तो बी डी बराबर का इसी हो जाएगा, और हमको √3 हमको यहाँ दे रखा है। बेटा अगर हम बात करते हैं इन ट्रेंगल को, सर इसके इसमें आप करने वाले क्या हो, बेटा मैं बताऊंगा। देखो हमको, हमसे क्या कह रहा है कि ये बी से सी पर, भाई देखो ये डी से ई पर, भाई ये डी से ई पर कितना पहुंचता है, ये 30 सेकंड में हमारा यहाँ पर पहुंचता है। हमको यहाँ टाइम बेटा दे रखा है, हमको टाइम दे रखा है। अगर बेटा हम डिस्टेंस निकाल लें कि डी से ई पर पहुंचने में इसको कितना इसने डिस्टेंस कवर करी, भाई सेकंड तो उसने 30 सेकंड लगाया है, लेकिन अगर बेटा हम यहाँ से डिस्टेंस निकाल लेते हैं, फिर डिस्टेंस और टाइम, हम हमको डिस्टेंस और टाइम पता है, बट हम स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन का टाइम लगा लेंगे, हमारा बेटा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखो हमको कुल मिला के यहाँ पर क्या करना है, पहले हमको डी की डी निकालनी है हमको बेटा है। तो डी कैसे निकालेंगे, देखो इधर हम बात करते हैं इंट्रेंगल ए डी बी ट्रेंगल, बेटा ए डी बी की बात करते हैं। तो इसमें अगर हम लेते हैं टेन 60 डिग्री लेते हैं, कौन सा टेन क्यों लोगे, तो हम बोलेंगे देखो बेटा ए डी डी हमारा बेस हो जाएगा ट्रेंगल का, भाई दोनों ए डी ट्रेंगल ए डी बी का बेस हो जाएगा, और ए ई हमारा ट्रेंगल ए ई सी का बेस हो जाएगा। तो ए डी और डी हमारा बेस दे रखा है, तो हमको हाइट दे रखा है, तो पी अपान बी बेटा टेन में हमारा आता है, इसलिए हम यहाँ टेन यहाँ पर हम टेन लगाएंगे। अब यहाँ टेन 60 डिग्री कितना जाएगा, इधर हमारा जाएगा बी डी अपान का ये हमारा बेटा ए डी हो जाएगा, बी डी अपान का ए डी हो जाएगा, और टेन 60 डिग्री बेटा वैल्यू कितनी होती है, हमारी होती है √3 वैल्यू होती है, और बी डी हमारा कितना हो जाएगा, बी डी हमको भी तो बी डी की हाइट हमको दे रखी थी, रखी है ये हमारा हो जाएगा 3600 √3 मीटर। बेटा ए डी हमारा क्या हो जाएगा, ए डी हमारा ये ऐसे यहाँ पर ए डी लिखा रहेगा, तो ए डी की वैल्यू कितनी बेटा आ जाएगी, ए डी की वैल्यू आएगी 3600 √3 अपान बेटा हमारा ये √3 आ जाएगा, और ये से स्वाहा हो जाएगा। तो बेटा ए डी हमको यहाँ से 3600 मीटर बेटा हमको मिल जाएगा। अब ए डी की डिस्टेंस यहाँ पे बेटा हमको मिल गई। अच्छा देखो बात करते हैं बेटा हम इंट्रेंगल ए ई सी ट्रेंगल बेटा ए ई सी की बात करते हो, ये भी डिग्री आपके 90 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट के बीच की आपकी डिस्टेंस बेटा है, ठीक। तो इसमें अगर हम टेन 30 लगा देते हैं, कितना लगाते हैं, टेन 30 डिग्री यहाँ पर हम लोग इसमें लेते हैं, तो क्या जाएगा सी ई अपान का बेटा हमारा ये ए ई आ जाएगा, ठीक इतना जाएगा। अब यहाँ देखो बेटा टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, ये हमारी होती है 1 अपान का, ये हमारी बेटा √3 हो जाएगी, ठीक। और सी ई की वैल्यू हमको यहाँ दे रखी, कितनी दे रखी है, ये हमारा जाएगा 3600 √3 हमारा जाएगा अपान में ए ई ए ई बेटा ए ई को हम किसमें ब्रेक कर सकते हैं, ए डी प्लस का डी में हम लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं। अब यहाँ देखो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। तो ए डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए डी प्लस का डी बराबर बेटा ये कितना आ जाएगा, ये हमारा जाएगा। अब देखो जब इनका करो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो √3 का मल्टीप्लाई जब √3 से होगा तो आपका 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 3600 बेटा आपका 3 यहाँ आ जाएगा, ठीक। अब ये बेटा कितना हमारा जाएगा, ए डी की वैल्यू हमको यहाँ पर दे रखी है, तो डी कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 3600 × √3 बेटा माइनस कितना आ जाएगा हमारा, माइनस में जब ए डी यहाँ बेटा देखो ए डी जो हमारा दूसरी हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3600 बेटा यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो दोनों में 3600 कॉमन मिल रहा है दोनों टर्म में, तो हमारा 3 - 1 या इसको बेटा हम लिखेंगे 3600 × बेटा हमारा यहाँ 2 आ जाएगा, ये बेटा हमारा डी ई यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर भी हमारा ये डी ई ही रहेगा। इतने में कोई दिक्कत, सिंपल सा सिर्फ कैलकुलेट खाली किए हैं दोस्तों हैं। अब देखो यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं ताकि क्वेश्चन समझने में हम लोग को आसानी हो। बेटा अगर डी की बात करते हैं, डी यहाँ पर कितना जाएगा बेटा, 2 जीरो ऐसे लिखा जाएंगे, ठीक। और 2 × 12 आपका आ जाएगा, कैरी बेटा 1 आ जाएगा, 2 × 3 = 6, 6 का आपका 7 आ जाएगा बेटा, ये हमारे मीटर में रहेगा, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना, ठीक, ये हमारे मीटर में हो जाएगा। अब देखो डी डिस्टेंस कवर करने में हमको कितना हमने बेटा कितना डिस्टेंस दिया है, डी को 72,7200 मीटर हमने डी को कवर करने में लिया है, ठीक। अब बेटा इसको इसका इसी का समय हमको दे रखा, कितना दे रखा था बेटा, डी लिखेंगे टाइम टेकन, टाइम टेकन टू कवर
टू कवर डिस्टेंस डीई, बेटा डीई को कवर करने में कितना टाइम टाइम लगता है, 30 सेकंड बेटा हमको लगता है। अब देखो बेटा हमको डिस्टेंस हमको दे रखी है, डिस्टेंस बेटा हमको दे रखी है डिस्टेंस हमको बेटा यहाँ पे दे रखा है 7200, ठीक मीटर हमको डिस्टेंस दे रखी है, हमको टाइम यहाँ दे रखा है, टाइम बेटा हमको यहाँ पर 30 सेकंड, यहाँ पे हमको देखो 30 सेकंड टाइम दे रखा है, 30 सेकंड हमारा टाइम हो जाएगा। हमसे बेटा स्पीड पूछा था तो स्पीड निकालेंगे, लिखेंगे स्पीड ऑफ जेट, तो बेटा स्पीड यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपान का टाइम होता है। तो स्पीड हमारी बेटा यहाँ दे रखा है, स्पीड हमको निकालनी, स्पीड हमारी ऐसे हो जाएगी, डिस्टेंस बेटा हमको यहाँ पर 7200 दे रखा है, ठीक है, और टाइम हमको यहाँ 30 सेकंड दे रखा है। फिर इनको हम कट कर लेंगे, कट करोगे तो इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना जाएगा, 3 × 9 = 3, 3 × 2 = 6 और 3 × 4 = 12 बेटा कितना जाएगा, 0 ऐसे आ जाएगा। तो स्पीड बेटा इस एस स्पीड कितनी निकली हमारी, जेड की स्पीड कितनी निकली निकली बेटा हमारी 240 मीटर पर सेकेंड। बेटा इसको हम किलोमीटर में आप लोग चेंज कर लेना इसको, ये हमारी क्या जाएगी, ये हमारी स्पीड आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 240 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हमारा जेट बेटा उड़ रहा है। तो ऐसे में इस क्वेश्चन को कर सकते दोस्तों हैं। मैं उम्मीद करता हूं बेटा ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो बेटा ये वीडियो आपको अच्छा लगे, जो आपके पढ़ने वाले फ्रेंड्स हैं जिनको वाकई में हाई डिस्टेंस में प्रॉब्लम है, जिनका मतलब जो हाई स्कूल को लेकर के अपने बोर्ड भाई लाइफ का फर्स्ट बोर्ड होता है इसमें बेटा, तो अगर मैं चाहता तो मैं 12 की मैथ पढ़ाता, मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की मैथ पढ़ाता, तो मैं हाई स्कूल की मैथ क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्यों हम चाहते हैं कि जो बच्चे हाई स्कूल में जिनका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है बेटा उनको पहले हम बेस शुरुआत करेंगे, फिर हाई स्कूल के बाद इंटर की पढ़ाएंगे, फिर आगे चल के आगे चल के आगे वाली मैथ पढ़ाएंगे। दोस्तों ये हमारा बेसिक मैथ बिल्कुल से है, ठीक है। अब इसमें अगर बच्चे को दिक्कत होगी तो बेटा आगे कुछ भी करेगा उसको आगे बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, और आगे टीचर्स ऐसे नहीं होते कि अगर आप इंटर में बैठा हो तो आपको हाई स्कूल का प्लस माइनस सही कराएं या आपको ये बताएं ऐसे किया ये कैसे किया जाता है। तो दोस्तों क्या है, इसीलिए जो कि पढ़ने वाले फ्रेंड्स उन तक वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनकी समस्या का समाधान हो सके दोस्तों। और ऐसे ही वीडियो के साथ बने रहिए, देखते रहिए, ज्ञान लेते रहिए। भाई मैं कहीं से ज्ञान लेता हूँ, आपको देता हूँ, आप भी कहीं से ज्ञान लीजिए, किस अपने दोस्तों में ज्ञान बांटिए दोस्तों। तो ऐसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।